कांग्रेस पार्टी में पूरी फ्रीडम है, मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान में फिर से गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। नॉर्थ और साउथ अजमेर में से करीब हम 50 दावेदार को हम मिले। हमारी सोच ये है कि कांग्रेस कैसी तरह से जीते। दावेदार तो कांग्रेस पार्टी में पूरी फ्रीडम है, सब लोगों की जगह है, मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी पहली बार नहीं और गवर्नमेंट रिपीट होने जा रही है, और राजस्थान में फिर से गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। हमारा फीडबैक ये है कि हमारा काम लोगों को सुनना है और सुनने के बाद AICC में हमारा पूरी रिपोर्ट भेजनी है, वही हमारा काम है। क्या प्राथमिकता तय की है और किसान पे टिकटों का वितरण? PCC और AICC में अभी वो दिक्कत चल रही है और डिस्कस के बाद जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो सही करेगी। सिस्टम चेंज नहीं कर सकती कांग्रेस, एक्चुअली में लोग चार चार बार तो दावेदारी के पेश कर चुके हैं। अरे सब सिस्टम कांग्रेस में चेंज किया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का ग्राफ इतना ऊंचे जा रहा है। नहीं, लेकिन जिस तरह से दावेदारियां होती हैं, दावेदारी तो काफी पहले नहीं, वो तो ठीक है। कांग्रेस पार्टी में सबको फ्रीडम है, मांगने की सबको अधिकार है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं मांगे। कांग्रेस पार्टी में तो फ्रीडम है, लेकिन युवाओं को इस बार प्राथमिकता देने जा रही है कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस देगी। थैंक यू। हम के जिस तरह चुनावी दौड़ चल पड़ा है उस पर आवेदन देने वाले बहुत करीब 29 से 30-40 जने लोगों ने आवेदन दिया है। उत्तर और दक्षिण दोनों में अलग अलग आवेदन लिए जा रहे हैं, और जो हमारे गुजरात से पर्यवेक्षक जी आए हैं उनको मैंने एक अपनी भावना बताई है जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए कि 17 से 20 हज़ार करीब हमारे उत्तर विधानसभा में जैन समाज के लोग रहते हैं, तो प्रथम प्राथमिकता जैन समाज को एक टिकट देकर मौका दिया जाए। सेकंड प्राथमिकता मैंने यह रखी है कि जब बड़े नेता एक मंच पर आएंगे तो 100% कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, अजमेर उत्तर हो, दक्षिण हो या राजस्थान हो। थर्ड, हम कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाए, और कार्यकर्ता का मतलब यह है कि यूथ को अब मौका दिया जाए। यूथ को अगर जब बड़े नेता एक मंच में नहीं आएंगे तो अब यूथ को मौका देकर बड़े नेताओं को एक समझाने का तरीका है कि आप अगर नहीं समझेंगे तो यूथ को मौका दिया जाएगा। और मेरी जो 30 साल की राजनीति रही है, मैं बचपन से राजनीति में रहा हूँ। 15 साल की आयु में मैं गोविंद सिंह जी गुर्जर दादा साहब के साथ में रहा हुआ हूँ। उसके बाद में 1998 में मैंने अजमेर में प्रवेश किया था और 2000 में मैंने सेवा दल ज्वाइन करी। 2002 में मुझे पहला पद वार्ड मुख्य संगठक मिला था। एक मंच पे यही है कि एक मंच पे जी बिल्कुल, अशोक गहलोत जी हमारे वरिष्ठ है, पिता समान है, और सचिन पायलट जी हमारे बड़े भाई हैं। हर घर में मनमुटाव होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बेर पल जाता है। परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक चलती है, ऐसी भावनाएं हमारे मन में नहीं है कि हम एक दूसरे के प्रति भावनाएं लड़ें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अजमेर के मंच पे जो आज भी टिकट को लेकर ये होता है कि हमें टिकट दिया जाए बाकी को नहीं दिया जाए, तो मैं नेतृत्व से यही मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मंच पर लाकर बड़े नेताओं को कहे जिसे नेतृत्व तो टिकट दे उसको सब लगकर जिताकर लाए, उसका इनाम उनको भविष्य में दिया जाएगा। धन्यवाद। पीयूष सुराणा, जिला अध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी, सोशल मीडिया विभाग।